السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. वह शर उमूरी मोहदसातु वकुल्ला बिदा वकुल्ला बिदिन तमाम भाइयों और बहनों का इस्ते करता हूँ हमारा आज का मौजु है दुनिया में कामयाबी कैसे अलहमदिल्ला हदीस से हमें रहनमाई मिलती है हमें रास्ता मिलता है कि आखिरत की कामयाबी कैसे पाए लोग आमतौर से ये सवाल पूछते हैं कि लेकिन हमें जीना तो आप यहां दुनिया में है तो दुनिया की कामयाबी कैसे ये हमें कहां से पता चलेगा तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप कोई बिजनेसमैन मैन है जो अपनी तिजारत और बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं दुनियावी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं या आप कोई प्रोफेशनल है जो अपने जॉब में अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के ज़माने की जद्दोजहद और स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या हो सकता है कि आप अपनी दुनियावी तौर पर कोई भी अपने गोल टारगेट मकसद को हासिल करने की जुस्तजु में लगे हुए हैं तो इस चीज के मुतालिक भी क्या इस्लाम आपकी रहनुमाई करेगा या यहां पर जाकर हम आपसे कहेंगे कि जाओ भाई मगरबी तहजीब की तरफ वहां पे वो लोगों से सीखो ये इन लोगों से सीखो क्या है इस बारे में सही बात मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आज आपके सामने इस्लाम का एक बहुत ही अलग डायमेंशन कुरान हदीस से आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम इस चीज में भी हमें रहनुमाई करता है सवाल यहां यह है कि दुनिया में कामयाबी कैसे पाए कोई शख्स प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता है कोई शख्स बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है कोई शख्स एजुकेशन में अपने मकसदों में आगे बढ़ना चाहता है तो नंबर वन क्या ये चाहत जायज है या ना जायज है आइए हम इस ताल्लुक से सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये चाहना सही है या नहीं है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सही बात तो यह है इस्लाम ने हमें नहीं रोका है कि हम दुनियावी तौर पर खैर और भलाइयों को पाए नहीं रोका है इस्लाम वो दीन नहीं है जिसमें हमें जैसे सिखाया गया होगा कि जाओ दीनदार बनना है ना तो दुनिया को त्यागना पड़ेगा जैसे हम देखते हैं कि कई धर्मों में ये कंसेप्ट है कि जो शख्स दीनदार बनता है उसको सब कुछ छोड़ करके जंगल में निकल जाना होता है वनवास ले लेना होता है या रूहबानियत इख्तियार करनी होती है कि जैसे बीवी बच्चों से अलग थलग कोई शादी नहीं करेगा अलग थलग रहेगा तो क्या इस्लाम ने यह सिखाया है तो हम देखते हैं नहीं हम देखते हैं कि इस्लाम ने कमाई और हलाल रोजी को कमाने को खैर बताया है अल्लाह के रसूल वसल्लम की हदीस है नी मर सौले कितना अच्छा है अच्छा माल एक अच्छे शख्स के लिए अच्छा माल यानी हलाल माल एक अच्छे शख्स के लिए कितना अच्छा है यह हदीस की तहकीक सही अलजामे में मिलेगी हदीस सही सनत से है तो माल अगर सही तरीके से हासिल किया जाए तो इस्लाम ने उसे बुरा नहीं कहा है उसी तरह हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पर कोई गोल और टारगेट जब तक कुरान हदीस से टकराता नहीं है या जब तक वो हमारा मेन गोल ना बन जाए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं इस्लाम ने कहा है कि असल कामयाबी क्या है ये याद रखो दुनिया की असल कामयाबी यह है कि हम आखिरत के ताल्लुक से सही ट्रैक पर रहे अगर कोई शख्स दुनिया को अपना गोल बना लेगा तो यकीन वो फेल हो गया क्यों क्योंकि दुनिया तो हाथ से जानी ही है भाई अगर मेहनत करे कोई गोल हासिल किए कोई शख्स कंपनी में मैनेजर बनना चाहता है बन गया मेहनत कर करके करके -कर -कर, लेकिन फिर आखिर में एक दिन मर गया और ना उसका पोस्ट उसके साथ आया ना उसकी पोजीशन ना उसके एम्प्लॉज कोच नहीं आया जो उसके साथ गया तो उसका अकीदा ईमान गया और उसके आमाल गए तो मेन गोल बनाना तो बेवकूफ़ी है उसी तरह कोई शख्स है जो पीएचडी कर रहा है डॉक्टर मेडिसिन कर रहा है अब पढ़ के वो बिल्कुल पढ़ाई में इल्म में नॉलेज में बहुत आगे बढ़ जाता है रिसर्चर बन जाता है साइंटिस्ट बन जाता है लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि जिंदगी का मकसद क्या है उसे ये नहीं मालूम है कि मेरा मालिक कौन है तो हम कहते हैं कि वो इंसान जाहिल है इग्नोरेंट है उसे ये नहीं मालूम है कि किसने तुम्हें बनाया उसे ये नहीं मालूम है कि मैं जी क्यों रहा हूं कितनी अजीब सी बात है कहां तो आप इतने बड़े इन्वेंटर बन रहे हैं और कहां तो आपको यह भी नहीं पता है कि आपका मालिक कौन है यह तो बहुत अफसोस की बात है उसी तरह हम ये देखते हैं कि कोई शख्स है जो दुनिया के अंदर बहुत माल कमा लिया पैसे मालदार गाड़ी बंगला इज्जत ताकत सब कुछ है उसके पास लेकिन आखिरत के लिए उसके पास ईमान नहीं है अमल सौले नहीं है यह शख्स का क्या होगा यह शख्स भी बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई शख्स कितना भी मालदार क्यों ना हो अपने सारे के सारे माल को दुनिया में ही छोड़ के जाता है दुनिया से जाता है तो नॉट इवन अ सिंगल रुपी एक रुपया साथ में नहीं लेके जाता जिसके पीछे उसने जिंदगी लगा दी लेकिन साथ में लेके तो गया ही नहीं हकीकत है ना ये ये फैक्ट है ये रियलिटी है इस चीज के ताल्लुक से हम सब कोई इनकार नहीं कर सकता और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम जो बात करने वाले हैं हम इस चीज को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि दुनिया फर्स्ट गोल है हम ये कह रहे हैं आखिरत ही हमारा मकसद है हमारी जिंदगी का मकसद है आखिरत की कामयाबी दुनिया इम्तिहान है अल्लाह ताला ने कहा मुल्क में, 67 आयत दो, वो जिसने मौत बनाई और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है दुनिया की जिंदगी क्या है आजमाइश है इम्तिहान है एग्जाम है और हकीकत यह है कि यह दुनिया के अंदर बहुत सारा धोखा है अल्लाह ने कुरान में फरमाया इमरान में सुर तीन आयत नंबर वन एटी फाइव वोल है दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान डिसेप्शन है अल्लाह ताला ने कुरान में सुर फातर में कहा सरा नंबर पैंतीस आयत नंबर पांच या इंसानो हक अल्लाह का वादा सच्चा है फलामल हया तो दुनिया तो दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे ना तुम्हें धोखा देने वाला जो गुरूर है यानी कि शैतान है वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे तो दुनिया के धोखे में तो नहीं पड़ना है दुनिया के अंदर ये नहीं समझना है कि ये सब कुछ है ये मेरी जिंदगी का मकसद है जैसा कई लोग बना देते हैं मेरी जिंदगी का मकसद है मैनेजर बनना मालदार बनना ये कमाना डिग्री हासिल करना डॉक्टर बनना जिंदगी का मकसद ये सब नहीं है जिंदगी का मकसद है जन्नत पहुंचना क्योंकि असल कामयाबी यही है कि कोई इंसान जन्नत पहुंच जाए अगर उसके पास दुनिया का सब कुछ है और जहन्नम में पहुंच जाता है फेलियर है वो इंसान कुरान में अल्लाह अल्ला ताल ने फरमाया सुरा नंबर तीन आयत नंबर वन एटी फाइव कुल्लु नफसिनमौत हर नफ्स को मौत का जयका चखना ही है और तुम्हें तुम्हारा पूरा, पूरा पूरा बदला सिर्फ क्यामत के दिन मिलेगा दुनिया में नहीं है दुनिया में हो सकता है कुछ हिस्सा मिले लेकिन पूरा पूरा सिर्फ क़्यामत के दिन दिनार फिर वो जो जहन्नम की आग से बच गया विल जन्न और जन्नत में दाखिल कर दिया गया फकत फाज कामयाब है वो वमल तो दुनिया मताउल मतल क्योंकि दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगर आप ये दर्ज देखते वक्त ये सोचे थे कि ये दुनिया मेरा मकसद है तो उसे मकसद बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे हम जो बात करने वाले हैं उसे मकसद से कम रख के बात करेंगे हम उसे दुनिया में एक जरिए के तौर पर रखेंगे दुनिया में एक ऐसी चीज़ जो एक इंसान हासिल करे जरिए के एतबार से मिसाल के तौर पर हमें टॉयलेट भी चाहिए भाई दुनिया में रहने के लिए लेकिन टॉयलेट से मोहब्बत नहीं हो जाती हमें दुनिया में रहने के लिए माल भी चाहिए लेकिन माल से मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने कहा वह तो हिब्बुल माल हब्बन जमा तो माल से बिल्कुल जम के मोहब्बत करते हो तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को अच्छा नहीं बताया तो मोहब्बत इस चीज़ की नहीं हो कामयाबी इसे ना शुमार करिए यह ना समझिए मेरा गोल और मकसद है लेकिन अगर कोई शख्स ये बात को मानता है ये मेरा गोल और मकसद नहीं है लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने रहने की इजाज़त तो दी है ना और दुनिया में सही तरह से रहकर ये तमाम चीज़ों को हासिल करने की इजाज़त इस्लाम ने बिल्कुल दी है कुरान की वाज आयत है सद कस की सदा नंबर ट्वेंटी एट आयत नंबर सेवनटी सेवन अल्लाह तह वाला तनसा नसीब दुनिया के हिस्से को हासिल करना मत भूलना तो दुनिया को हासिल करने इस्लाम ने हमें रोका नहीं है इस्लाम ने ही बताया कि रहो लेकिन ये ना भूलो कि क्यों रह रहे हो इसे अपना मकसद ना बना लो तुम्हारा मकसद है जन्नत तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आप सबको दावत देता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से बिल्कुल क्लियर पिक्चर पहले सामने रख दें फिर आगे बात करेंगे हमारे सामने बहुत क्लियर बात है कि कामयाबी उसी चीज को कहते हैं जब कोई शख्स जन्नत में कामयाब हो जाए क्यों ये दुनिया इतनी इनसिग्निफिकेंट है सही मुस्लिम की हदीस आपको पता होगी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत दुनिया फिल खिला दुनिया क्या है दुनिया क्या है आखिरत के सामने सिवाय कि तुम में से कोई अपनी उंगली को समंदर में डुबाए देखो क्या लेकर आएगी हम समंदर में डुबाते हैं क्या लेकर आती है बस इतनी सी है दुनिया और जो समंदर बचा है ना वो आखिरत है इतनी बड़ी आखिरत और अगर कोई शख्स दुनिया में बहुत मालदार बन गया इज्जत भी कमा ली बहुत बड़ा जीनियस बन गया अपने दुनिया की गोल को हासिल कर लिया लेकिन आखिरत में फेल हो गया तो क्या आप कामयाब कहेंगे उसे शख्स उंगली डुबा कर आ गया समंदर में मैं उंगली डुबा कर आ गया और समझता है कि मैं कामयाब बन गया तो हम कहेंगे ये तो बेवकूफी है ना भाई उस इंसान की उसे तो समझना चाहिए जो मेन चीज है वो तो समंदर है ये कुछ नहीं है तो हम ये बात को ये पिक्चर को ध्यान में रखें अब ये ध्यान में रखते हुए आगे बात करते हैं अब हमारा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को दुनियावी तौर पर कामयाबी पानी है अपने करियर में अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशन में इसे मेन गोल बनाते हुए नहीं इसे जिंदगी का मकसद बनाते हुए नहीं अपनी जगह पर रखते हुए अगर कोई शख्स इसमें कामयाबी पाना चाहता है तो यकीनन कोई गलत बात नहीं है अल्लाह ताला खुद कहा है कि उसे हासिल करो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आपके सामने आज के लेक्चर में दस कीमती उसूल रखना चाहता हूं अब कोई शख्स कहेगा भाई दीनदारी तो नमाज है मस्जिद में है वहां तक है ये दुनिया का भी आप सिखाओगे हाँ दुनिया का भी अल्लाह ताला हमें बताएगा क्यों क्योंकि अल्लाह ताला हमारा बनाने वाला है कुरान की आयत है सुरह मुल्क की सुरह 67 आयत नंबर चौदह अल्ला खलक क्या जिसने हमें बनाया वो नहीं जानेगा यकीनन अल्लाह जानेगा अल्लाह ताला जानता है हर चीज का इल्म है अल्लाह के पास हर चीज की खबर है अल्लाह के पास अल्लाह तला की बताई हुई कोई बात आउटडेटेड इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंसानों का नेचर जो होता है ना फितरत जो होती है वो वही रहती है आदम अल इस्लाम के बेटों में जो बात थी कि जो नेचर था वो नेचर आज तक कंटिन्यू है हम ये देखते हैं कि इस्लाम की बताई हुई हर चीज हर जमाने के लिए है क्योंकि अल्लाह की तरफ से है अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस बात पर यकीन रखिए कि जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन बताए वो रियली अच्छी है वो लास्टिंग तौर पर अच्छी है उसके फार फेच रिजल्ट है और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है कई बार ऐसा होता है कि दुनिया के लोग जब सक्सेस के पीछे भागते हैं ना तो जायज़ ना जायज़ हलाल हराम कुछ नहीं देखते, सिर्फ उन्हें एक चीज़ दिखती है सक्सेस इस्लाम ने ऐसे सक्सेस को बुरा कहा है क्योंकि ये तो बर्बादी है इस्लाम जो चीज़ बताता है उसके अंदर आखिरत का भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है

नीमा कान और हम उसे उसका बदला उसके बेहतरीन अमल के मुताबिक देंगे आप इस आय पर जरा गौर करिए दो इनामों का जिक्र किया है इस आय की कॉमेंट्री में मुफसरीन ये पॉइंट को नोट कराते हैं और बात की तरफ हमारे ध्यान को ले जाते हैं वो कहते हैं कि गौर करो इसमें दो अजर का जिक्र है पहला अज्र जो अल्लाह ने कहाबा हम उसे एक बहुत अच्छी पाक जिंदगी दे देंगे और फिर अल्लाह ने कहा वन जी बी आ सनीमा का न और हम उसे उसका बदला उसके बेहतरीन अमल के मुताबिक देंगे आमाल में सबसे जो अच्छे अमल होंगे उसे देखकर अल्लाह ताला बदला देगा इस आयत की कमेंट्री में मुफसरीन ये बताते हैं कहते हैं ये जो अल्लाह ताला ने कहा मैं बदला दूंगा ये आखिरत की बात हो रही है लेकिन ये जो हयातन तय्यबा बात हुई है ये दुनिया की बात हो रही है कि अल्लाह ताला दुनिया में हयातन तयीबा तो किसे देगा जो नेक काम करेगा बशर्ते वो ईमान वाला है चाहे मर्द हो या औरत हो तो मेरे भाईओ मी बहने हयातन तयीबा तो इस्लाम पर चलने में है ये बात हमें पता चल रही है हयातन तो तयबा अल्लाह की नाफरमानी में नहीं है हयाता तो तयबा दुनिया को मकसद बनाकर आखिरत को भूल जाने में नहीं है शैतान वादे करेगा शैतान कहता है कि देखो मेरे रास्ते पे चलो हयातन तगियबा मिलेगी मेरे रास्ते पे चलो बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी इंसान एक गोल बनाता है समझता है कि ये पोजीशन मेरे लिए मकसद है भागता है भागता है भागता है लेकिन भागकर फाइनली जब वो चीज़ मिल जाती है सोचता है कि ये अच्छे से टावर में, में मेरा घर हो अच्छे से अच्छा फर्नीचर हो बीवी खुश हो जाएगी बच्चे यहां से वहां भागेंगे घर में खुशी ही खुशी होगी लेकिन जब ऐसा मिल जाता है तो हम देखते हैं ऐसे कितने सारे लोग हैं ऐसे कितने सारे घर हैं खुशी नहीं है लोगों को नींद की गोली खा खा के भी सोना पड़ता है पता चला कि खुशी का कनेक्शन इन चीज़ों से जो शैतान करता है हमारे लिए वो सही बात नहीं है लेकिन इस्लाम ये कहता है कि हयातन तय्यबा तुम्हें मिलेगी दुनिया में कब अगर तुम ईमान लाओ और नेक काम करो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस आयत से हमें वो टॉपिक हमारा जो है इसके ताल्लुक से और वाज डायरेक्शन दिख रहा है कि इस्लाम ने दुनिया का भी वादा किया है एक और वाज आयत मैं बताता हूँ तलाक में है सरा नंबर सिक्सटी फाइव आयत नंबर दो और तीन अल्लाह तला ने कहा वाम यद तकी ला जो अल्लाह से डरेगा जो तकवा इख्तियार करेगा यज अल्लहु मखरजा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा वर्जुक हो और उसे रिस्क देगा मिन है लाया तसीब जहां से वो सोच भी नहीं सकता है आदमी सोचता है मेरा रिस्क आएगा तो यहां से आएगा ये बॉस है यह यह मेरा ये मुझे सैलरी देगा मेरा रिस्क है या ये मेरा बिजनेस है यहाँ सेल होगा कमाऊंगा ये मेरा रिस्क है अल्लाह ने कहा अगर तुम, तुम तकवा इख्तियार करोगे अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते सोच नहीं सकते हो वहां से देगा तो हम ये देखते हैं कि तकवा इख्तियार करने से अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है जो दुनिया की चीज़ है ये दुनिया की चीज है तो इस्लाम ने यह नहीं कहा कि दुनिया में जैसे कि एक इंसान को कुछ नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि दुनिया का तो तुम्हें मिलने का कोई चांस ही नहीं आखिरत में मैं दूंगा ना अल्लाह ताला ने आखिरत का जहां वादा किया है तो दुनिया का भी वादा साथ साथ में किया है लेकिन आखिरत खैरू वाबका है खैर है और बाकी रहने वाली है आखिरत हमारा मकसद है दुनिया में पैसा मिलता भी है रिस्क मिलता भी है दुनिया की कामयाबी मिलती भी है तो ये आजमाइश है हाँ इनाम के तौर पर भी अल्लाह की तरफ से मिलती है सज़ा के तौर पर भी मिलती है तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम वो उसूलों को देखते हैं जो कुरान और हदीस से मिलते हैं तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए आइए हम शुरू करते हैं वो दस कीमती उसूल जो कुरान और हदीस से हमें मिलते हैं और जिन पर अगर कोई अमल करेगा उसे दुनिया की कामयाबी भी मिलेगी आखिर की कामयाबी भी मिलेगी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं आपके सामने ये दस ऊसूल जो रख रहा हूं इससे पहले आपको ये बात बता दूं कि सिर्फ दस ही ओसूल नहीं है कुरान और हदीस में आपको ख़जाने मिलेंगे लेकिन आपको वहां से ताल्लुक जोड़ना होगा वहां से हमें करबत हासिल करनी होगी उसकी क्लोजनेस हासिल करनी होगी तो कंटिन्यूसली ऐसे पर्ल्स मिलते रहेंगे लेकिन मैं नमूने के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये दस बातें कुरान और हदीस से रख रहा हूँ सिर्फ एक ऐसे मकसद के तहत कि हम जाने कि यहाँ पर कितना बड़ा ख़जाना है इन चीज़ों का और ये दस चीज़ें भी ऐसी चीज है कि जिन पर अगर कोई अमल करे तो उसे इंशा अल्लाह अ रिजल्ट मिलेंगे दुनिया में भी अल्लाह की मदद से अल्लाह की मर्जी से अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ ऐसा सिस्टम रखा है कि जैसे मिसाल के तौर पे बारिश आती है ना तो ऐसे ही नहीं आ जाती कि ऊपर से बारिश आ गई बारिश आती है तो पहले बादल आएंगे बादल आएंगे वैसे सर्कमस्टानसिस क्रिएट होंगे वैसी हवाएं चलेगी बादल टकराएंगे फिर बारिश के टीपे वहां से निकलेंगे अल्लाह तला चाहता तो डायरेक्टली भी बारिश की टीपे आ सकते थे अल्लाह तदिर है लेकिन अल्लाह अच्छा ने सिस्टम रखा है दुनिया में मेरे ब्रदर सिस्टर्स कई बार मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह पर भरोसा रखते हैं ये भूल जाते हैं कि इस्लाम ने कुछ जरियों का भी मामला सिखाया है हम ये बात की तरफ आएंगे कि मिसाल के तौर पर अगर दुनियावी कुछ कामयाबी अल्लाह तला दे रहा है किसी को तो कुछ उस भी है कुछ ऐसे बादल कुछ ऐसी हवाएं कुछ ऐसे फिनोमिना, जिससे कि वो रिजल्ट्स पैदा होंगे ऑफ कोर्स, दुनिया में अल्लाह ताला चाहता है तो किसी को ऐसे भी नवाज देता है ये अल्लाह की मर्जी है लेकिन एक नॉर्मल चीज होती है एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है तो आइए हम इस चीज़ में बिना और डिस्कशन के पॉइंट्स को शुरू करें सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए है वो है इल्म हासिल करना नॉलेज हासिल करना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस्लाम ने सारे बेनिफिशियल नॉलेज नफ़े वाला इल्म को इनक्रेजल इल्म बताया है जिसके हासिल करने को बेहतर बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ भी सिखाई और ये हुक्म भी दिया हमें इब्न माजा में सही सनद से हदीस मिलती है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से दुआ करो इन्नी इल्मन नाफिया अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं नफा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज नफा देने वाला इल्म जो होता है सब हमारा है चाहे मैनेजमेंट का इल्म हो चाहे मेडिसिन का इल्म हो चाहे टेक्नोलॉजी का इल्म हो इंजीनियरिंग का इल्म हो चाहे कोई हुनर हो कोई फन हो चाहे कोई चीज हो सारा जो बेनिफिशियल इल्म होता है वो सब हमारा है कोर्स सबसे ज्यादा नफे वाला इल्म तो आखिरत का इल्म है क्योंकि किसी को अगर आख़िरत के तालुक़ से अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानता तो हम कहते हैं ये इंसान जाहिल है इग्नोरेंट है सबसे फ़ायदेमंद इल्म वो इल्म है जो उसे आखिरत में काम आएगा लेकिन सारा बेनिफिशियल इल्म हमारा है कोई ऐसा इल्म भी होता है जो बेनिफिशियल नहीं होता जैसे मिसाल के तौर पर जादू का इल्म यह क्या है नुकसानदेह इल्म है ये सीखना भी कुफ्र होता है लेकिन नॉर्मली सारी नफ़े वाला इल्म जो है वो हमारा इल्म है उसके तालुक से हम ये नहीं करेंगे जैसे लोग डिवाइड कर देते हैं ये दीनी इल्म है ये सब दीनी इल्म नहीं है नहीं ये सब हमारे लिए है अल्लाह ताला ने हमें ते सब चीज हासिल करने इंकरज किया है तो हम देखते हैं अहमद में मुस्न्द अहमदी अबिन अब्बास अन्हुमा बयान करते हैं कि बद्र की जंग के बाद जो कैदी थे काना नासु असरा यौम बद्र लम यकुन यकुल्लह फिदाहुम कि जो कैदी बद्र की जंग के जिन्हें पकड़ा गया था और जिनके पास अपने आप को आजाद कराने के लिए कोई रैनसम फिदिया नहीं था फजाल के अल्लाह के रसूल सलम ने उनके फिदिया को यह रखा कि वह बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए मुस्लि अहमद में हदीस मिलती है जिसकी तहकीक शर्ना ने जो बताई हदीस सही सनत से है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पॉइंट क्या है बद्र की जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी अब कई दुश्मन के कैदी पकड़े गए दुश्मन के कई लोग जो लड़ने आए थे मारने आए थे पकड़े गए वो लोग अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये अपने आप को आज़ाद कराने का एक मेथड उनको दिया कि तुम हमारे जो अनसार के बच्चे हैं इनको तुम लिखना पढ़ना सिखाओ इतने बच्चों को तुमने लिखना पढ़ना सिखा दिए आजाद हो गए तुम इमेजिन कर सकते हैं आप ये लोग लड़ने आए थे मारने आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या बना दिया टीचर बना दिया अब वो टीचर बन गए पता चला कि इस्लाम ने सिखाया है कि दुश्मन के पास भी अगर कोई इल्म है तो उससे भी सीख लो उससे भी वो इल्म हासिल कर लो तो हम देखते हैं इस्लाम के अंदर तालीम और एजुकेशन की इतनी ज्यादा अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को भी क्या बना दिया टीचर बना दिया